नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कराऊंगा स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं जी। एट फ्रेंड्स, आठ दोस्त हैं, ई एफ जी एच एल एम और एन एंड ओ आर सीटेड इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, फेसिंग नॉर्थ, उत्तर की ओर मुख करके, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। पर लगातार इस सीक्वेंस में नहीं है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से आठ लोग बैठे हैं एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मैं एक सीधी लाइन खींच लेता हूं जी। ये मैंने एक सीधी लाइन खींच ली। अब आठ लोग बटाने जी, देखिए, एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ। तो ये मैंने आठ लोग बटा दिए और इन सभी का मुंह नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ सामने, ठीक है जी, उत्तर की ओर। तो मैंने ये एरो लगा दिया कि ये सारे के सारे जो है वो नॉर्थ को यानी उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, ठीक है जी, डन। तो ये मेरा हो गया है। नेक्स्ट, अब अगली लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन को पढ़ूंगा, समझूंगा और बनाऊंगा। पहली लाइन, ओ सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द लाइन। ओ जो है कहता है, ओ जो है वो उस लाइन के एकदम दाहिने किनारे पर बैठा है। अब जो आपका राइट होता है, देखिए राइट ये एकदम दाहिने किनारे पर ओ बैठा है, तो ओ को मैंने यहां पर बैठा दिया, ठीक है जी, डन। तो ये लाइन मेरी हो चुकी है। नेक्स्ट, अगली लाइन पढ़ते हैं, ओनली फोर पीपल सिट बिटवीन ओ एंड जी। कहता है ओ और जी के बीच में केवल चार लोग बैठे हैं, मतलब ओ और जी के बीच में चार लोग होंगे। अब देखिए यहां पर इस किनारे पर ओ है, तो इधर तो जा नहीं सकते, तो यानी कि इधर, तो देखिए ये ओ है। अब ओ और जी के बीच में चार लोग बैठे हैं, तो एक दो तीन और चार, चार लोग कौन है पता नहीं। तो यहां पर मेरा क्या आ गया जी, जी आ गया। तो देखिए यहां पर ओ, यहां पर जी, और उसके बीच में कोई चार लोग बैठे होंगे। तो जो ये वाली लाइन है, ये लाइन भी मेरी हो चुकी है जी, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है, बोथ एफ एंड एम आर इमीडिएट नेबर ऑफ जी। कहता है दोनों F और M जो दोनों हैं, वो दोनों के दोनों G के इमीडिएट नेबर, एकदम पड़ोसी होने चाहिए, ठीक है जी। मतलब F और M जो हैं वो G के निकटतम पड़ोसी होने चाहिए। अब पड़ोसी का मतलब होता है जी अगल बगल। तो देखिए ये G है, अब कहता है कि F और M इसके पड़ोसी होने चाहिए। तो यानी कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, इसमें मैंने F को यहां लिख लिया और M को यहां लिख लिया, तो F और M जो है वो G के पड़ोसी बन गए। पर ये तो मैंने यहां पर F और यहां पे M को लिख लिया, मुझे क्या पता क्या आपका M यहां हो और F यहां हो, तो यहां पर मुझे डाउट क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी आपको पेपर में डाउट क्रिएट हो, तो मैं बार बार काटा मार मार के नहीं लिखूंगा, तो मैं फटाफट क्या करूंगा, मैं दो डायग्राम बना लूंगा जी, फटाफट मैं यहां पर नीचे एक डायग्राम बना रहा हूं जल्दी से जी। देखिए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ लोग बैठे हैं, ठीक है जी, सबका मुंह नॉर्थ की ओर है जी, उत्तर दिशा की ओर है। क्या पता था वो यहां बैठा है जी और जी यहां बैठा है। अब मैं दो में एक साथ चलूंगा, देखिए F और M G के निकटतम पड़ोसी बनाए, इसमें F को यहां बैठाया, M को यहां बैठाया। अब इस वाले में क्या करता हूं जी, मैं M को यहां बैठा देता हूं और F को यहां बैठा देता हूं। अब सारी कंडीशन दोनों में फिट करूंगा, बाद में कोई एक कट जाएगा और एक लास्ट फाइनल मेरा आंसर आएगा, उससे हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे, ठीक है जी, डन। अब आगे चलते हैं, देखिए ये वाली लाइन मेरी हो चुकी है। नेक्स्ट कहता है, ओनली टू पीपल सिट बिटवीन M एंड L। M और L के बीच में केवल दो लोग बैठे हैं, ये वाली लाइन जी, M और L के बीच में कोई दो लोग बैठे हैं। अब देखिए यहां पर आते हैं, इसमें देखिए, अब M के इधर तो आ नहीं सकते, तो इधर M और L के बीच में दो लोग बैठे हैं, ये M बैठा है जी, ये दो लोग बैठ गए, तो इसका मतलब इस वाले में L यहां आ गया, ठीक है जी, डन। अब ऊपर देखिए, अब इधर M है, अब देखिए M के बाद इधर दो लोग बैठे हैं, तो L यहां आ सकता है, ठीक है जी, और M के बाद ये दो छोड़ के L यहां भी आ सकता है। अब यहां मुझे डाउट हो गया, तो मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूं, मैं अभी थोड़ा नीचे लिखता हूं, या तो L यहां आएगा या फिर दो छोड़ के L आएगा जी यहां पर, ठीक है जी। अब L यहां भी आ सकता है और L यहां भी आ सकता है, अभी मैं श्योर नहीं हूं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए आगे शायद मुझे कोई क्लू मिल जाए। नेक्स्ट लाइन में, L इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ O। L जो है वो O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, देखिए यहां से मुझे क्लू मिल गया। अब देखिए L O का पड़ोसी नहीं है, इसमें तो L दूर है, वो से कोई पड़ोसी नहीं है, पर इसमें देखिए, अब L में मुझे डाउट था कि L यहां आएगा या यहां आएगा, अब उसने बोला L जो है वो O का पड़ोसी नहीं होना चाहिए, मतलब यहां L नहीं आ सकता, तो कंफर्म हो गया जी, इसका मतलब यहां L नहीं आ सकता, तो मेरा कंफर्म हो चुका है कि L यहां आएगा, तो अब श्योर हो गया है, तो मैं यहां पर लिख दूंगा, तो L यहां आ गया जी, ठीक है जी। तो ये लाइन मेरी कंफर्म होगी, ऐसे क्लू मिलेगा और उसके अलावा अपना आंसर लिख सकते हैं, जो फाइनल मुझे पता लग जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, लास्ट लाइन, N सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ E। अब N जो है वो E के लेफ्ट में दूसरे नंबर पर बैठा है, N जो है वो E के बाईं दूसरे नंबर पर बैठा है। अब मैं कहीं पर E को बैठाऊंगा, देखिए कहीं भी मैं अगर E को बैठाऊं, ठीक है जी, फिर E के बाईं, मतलब इधर को पहला दूसरा जो है वो कौन होगा जी, N होगा, ठीक है जी। तो देखिए अब यहां पर तो मैं मतलब नहीं बैठा सकता, ठीक है जी, तो यानी कि यहां बैठ जाएगा, देखिए ये E है, ठीक है जी। अब E का लेफ्ट किधर, इधर, कौन, दो छोड़ के, मतलब दूसरा, E के लेफ्ट पहला और दूसरा कौन है जी, N, लो जी ये N आ गया, और यहां पर नहीं आ पाएगा कि N और N के लेफ्ट में, मतलब एक छोड़ के N होना चाहिए, देखिए यहां पर नहीं बैठ सकते, तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम मेरा कट हो गया है,
ठीक है जी, क्योंकि इसमें ये वाली कंडीशन नहीं बैठ पाएगी, सारी कंडीशन बिल्कुल ठीक बैठानी होती है, ऊपर वाले में बन रहा है तो सारी कंडीशन ओके हो चुकी है। अब देखिए कितने लोग थे, ई एफ जी एच, ठीक है जी, ई है, एफ है, जी है, एच रह गया है, तो एक ही स्थान बचा है, तो वो कौन सा आ गया जी, यहां पर मेरा एच आ जाएगा। तो फाइनली मेरा ये डायग्राम बन गया जी, ठीक है जी। तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे डायरेक्ट दी उसको डायरेक्ट बताएंगे, जो नहीं दी हुई है नेगेटिव में उसको अलग से लिखेंगे काटा मार के, और लास्ट में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा क्लू लगाएंगे, और फाइनली आपका ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। पेपर में आपने ये डायग्राम बनाना है, देन ये डायग्राम बन गया तो उसके आप क्वेश्चन का आंसर बड़ी इजीली आप बता सकते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन, वेयर इज जी फ्रॉम एल, कहता है बताइए जी कहां है एल से। तो आप अपने आप को एल मान लीजिए, अब देखिए आप एल पे खड़े हैं, अब एल से जी, देखिए इधर आपका राइट होता है जी, तो इधर राइट पहला और दूसरा, तो दूसरा राइट, ठीक है जी। तो जी जो है वो एल के दाएं दूसरे नंबर पे है, तो मैं क्या लिखूंगा, सेकेंड टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, दाएं को दूसरा, ये मेरा आंसर हो गया जी। नीचे लिखे ऑप्शंस में से मैं टिक कर दूंगा कि जी जो है वो एल के दाएं दूसरे नंबर पर है, इस ऑप्शन पे मैं टिक कर दूंगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, डैश सीटेड एट लेफ्ट एंड, बाएं किनारे पर कौन बैठा है, देखिए लेफ्ट एंड पर, ये देखिए जी ये राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है जी, एल, तो बाएं किनारे पर कौन बैठा है जी, एल बैठा है, तो डैश में मेरा आंसर क्या आ जाएगा जी, एल, एल जो है वो लेफ्ट हैंड पर बैठा है, यानी बाएं किनारे पर बैठा है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सीट्स बिटवीन एफ एंड एच, कहता है एफ और एच के बीच में कितने लोग बैठे हैं। अब देखिए ये एफ है, ठीक है जी, और ये एच है, अब एफ और एच के बीच में देखिए कितने लोग बैठे हैं, एक दो और तीन, तो मेरा आंसर क्या आ गया जी, थ्री पीपल, ठीक है जी। और वैसे ही आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं कि वो तीन लोग कौन कौन से हैं जी, एफ और एच के बीच में जो लोग बैठे हैं, जी, एम एंड एन, ठीक है जी। तो थ्री इज द राइट आंसर, तीन लोग बैठे हैं, जी, एम और एन, या तो वन टू थ्री फोर लिखो और थ्री टिक कर दूंगा, या फिर ऑप्शन दिए तो जी एम एंड एन टिक करूंगा जी। लास्ट क्वेश्चन मेरा, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड एल, एम और एल के एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा है। देखिए जी ये एम है और ये एल है, अभी इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में बोला है तो ये दोनों बैठे हैं जी, तो मेरा आंसर क्या आ गया, F और G, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर आ गया F एंड G, F एंड G बोथ आर सीटेड बिटवीन, एग्जैक्टली बिटवीन M एंड L, F और G दोनों के दोनों जो है वो किसके बीच में, M और L के बीच में बैठे हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का टॉपिक, स्ट्रेट लाइन सिटिंग अरेंजमेंट, जिसमें एक सीधी रेखा में कुछ लोग बैठते हैं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद ये क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कमेंट और शेयर करेंगे, और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।